नमस्कार, मीनू जायका में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम है, मार्केट में खूब आम आ रहे हैं, तो मैंगो की रेसिपी बनाना तो बनता है। तो आज मीनू जायका की किचन में हम बनाते हैं मैंगो चीज़ केक। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं मैंगो चीज़ केक। मैंगो चीज़ केक बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रीम चीज़ जो है वो घर पे तैयार कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है और बहुत कम कॉस्ट में हमको क्रीम चीज़ मिल जाती है। मार्केट में तो काफ़ी महंगी आती है। और क्रीम चीज़ बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें दूध चाहिए और एक हमें अमूल की फ्रेश क्रीम चाहिए। तो ये मैंने एक लीटर फुल फैट दूध लिया है, जिसको मैंने पहले से उबाल लिया था इसी पतीले में, और इसके अंदर मैं ये अमूल की जो फ्रेश क्रीम होती है 250 ग्राम का जो पैक आता है वो क्रीम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने फ्रेश क्रीम इसके अंदर डाल दी है। फ्रेश क्रीम डालने से क्या होगा, हमारा जो क्रीम चीज़ बनेगा वो बड़ा रिच बनेगा, क्रीमी सा बनेगा, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप 3 चम्मच इसमें बटर डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर रहता है। फैट का कंटेंट जो है वो इससे बढ़ जाता है, तो ये हमें डालना ज़रूरी है। अब इसको मैं एक बॉयल दे दूँगी और उसके बाद हमें दूध को फाड़ना है। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। इसको मैंने लगातार चलाते हुए पकाया था क्योंकि हमने इसको क्रीम डाली है इसके अंदर। और अब मैं गैस को स्विच ऑफ कर देती हूँ। अब इसको हम 2-4 मिनट ठंडा कर लेंगे, ऐसे ही लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। एकदम गर्म दूध को हमें नहीं फाड़ना है, उससे क्या होगा जो हमारा छेना बनेगा वो एकदम टाइट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, बस 2-5 मिनट हम ठंडा करेंगे और उसके बाद इसमें नींबू या विनेगर डाल के इसको फाड़ लेंगे। ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने दूध का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन कर दिया है। अब हम इसको फाड़ लेते हैं। उसके लिए मैंने ये आधा नींबू लिया है और इसको मैं दूध के अंदर डाल रही हूँ। आप विनेगर से भी फाड़ सकते हैं, विनेगर में थोड़ा पानी मिला के इक्वल क्वांटिटी में, और उसको धीरे धीरे डाल करके आप इसको फाड़ सकते हैं। हो सकता है आधे नींबू में दूध हमारा ना फटे, तो हम इसमें और नींबू डाल के या और विनेगर डाल के इसको हम फाड़ लेंगे। ये देखिए दूध हमारा फट गया है एकदम अच्छे से, इसमें बहुत बारीक छेना निकलेगा, तो ये अच्छे से दूध फट गया। हरे रंग का वे जो होता है वो इसमें से अलग हो गया। अब इसको मैं छान लेती हूँ। छेना छानने के लिए मैंने एक बोल लिया है, इसके ऊपर मैं रखती हूँ एक छन्नी, और इसके ऊपर मैं एक मलमल का पतला कपड़ा, डबल लेयर मैंने इसकी कर ली है, और वो कपड़ा मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ। अब जो हमने पनीर फाड़ा था वो मैं इसके अंदर डाल दूँ, तो पनीर हमारा इसमें अलग हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको छान दिया है, ये पूरा ग्रीन कलर का जो पानी है वो इसके अंदर आ गया है। दोबारा अगर हमें पनीर फाड़ना हो, इसी तरह दूध फाड़ना हो, तो इस पानी से भी हम इसको फाड़ सकते हैं। और ये पानी फेंकेगा नहीं, इसे दाल में डाल लीजिए, इसे आटा गूंथ लीजिए, बड़ा पौष्टिक ये पानी है। अब इसकी कुकिंग हमको रोकने के लिए, काफ़ी गर्म है हमारा छेना और खट्टा भी है, हमने नींबू डाला था, तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम इसको पानी से, अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। देखिए छेना हमारा कपड़े में आ गया, पानी निकल गया था। अब साफ़ पानी डाल करके और मैं इस छेने को वॉश कर लूँगी। तो ठंडा पानी जब हम डालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ठंडा पानी हम डालेंगे तो क्या होगा, एक तो इसकी कुकिंग रुक जाएगी, जो ये काफ़ी गर्म था ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और इसकी खटास जो नींबू की खटास है वो भी इसमें से निकल जाएगी। तो इस तरह खूब अच्छा पानी डाल करके हम इसको वॉश कर लेंगे। मैंने छेना को अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद अब हम ये कपड़ा इकट्ठा कर लेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। ठंडा भी हो गया क्योंकि हमने पानी डाला था, अभी इतना गर्म नहीं है। इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, लेकिन इतना ही निचोड़ना है कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। बहुत ज़्यादा निचोड़ के हम इसको ड्राई नहीं करेंगे, बस जब तक ये पानी टपक रहा है अच्छी धार में तब तक इसको हमें निचोड़ना है। बहुत ड्राई इसको नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पानी मैंने इसका सारा निकाल दिया और ये छेना हमारा बीच में आ गया, काफ़ी मॉइस्ट चाहिए हमारा छेना। अब इस छेने को मैं मिक्सी जार के अंदर डाल करके इसको चर्न कर लूँगी, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी हमको इसके अंदर नमक डालना है, और नमक डाल के अब इसको मैं पीस लूँगी। ये छेना हमारा मैंने पीस लिया है, और ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम चीज़ हमारी, एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी चिकनी क्रीम चीज़ हमारी बन करके तैयार है। अब इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ और सेट होने के लिए इसको मैं 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं बोल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने बोल में निकाल लिया है पूरा जो मैंने पीसा था छेने को, और एक बहुत अच्छी सी क्रीमी सी हमारी ये चीज़ क्रीम बन करके तैयार हो गई है। जो हमने मेजरमेंट लिया था, क्वांटिटी जितनी हमने ली थी, 1 लीटर दूध और उसमें 250 ग्राम हमने फ्रेश क्रीम डाली थी, तो उससे अप्रॉक्सीमेट ये हमारा 300 ग्राम क्रीम चीज़ बन करके तैयार हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना झंझट क्यों किया, मैं डायरेक्ट पनीर को भी लेकर के पीस सकती थी,
पर पनीर को पीसने से वो चीज़ नहीं आएगी, इतना क्रीमी वो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जब दूध हम बॉईल कर रहे थे तो उसमें हमने क्रीम डाली थी, तो उससे हमने दूध में फैट कंटेंट बढ़ा दिया था। और एक बात मैंने आपसे और कही थी, जब हम मैं क्रीम डाल रही थी कि आप बटर भी डाल सकते हैं, तो बटर आपको दूध बॉईल करते हुए नहीं डालना, बल्कि जब हम इसको पीस रहे हैं, चर्न कर रहे हैं इसको जब मिक्सी के अंदर, उस समय आपको इसमें बटर डालना है। तो इस तरह हम अपनी क्रीम चीज़, होममेड क्रीम चीज़ तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 140 ग्राम पार्ले जी के बिस्किट लिए हैं, आप इसकी जगह मैरी के या जो भी आपकी पसंद के बिस्किट हैं वो ले सकते हैं। अब इस बिस्किट को लेकर के और मैं चूरा करके इसके अंदर जार के अंदर डालती जाऊंगी और इसको हम बिस्किट्स को हम चर्न कर लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। आप ये काम जिपलॉक बैग में या किसी पॉलीथीन थैली के अंदर डाल करके भी उसको बेलन से आप करेंगे तो उसका पाउडर तैयार हो जाएगा। मकसद हमारा इसका पाउडर तैयार करना है। कि मैंने बिस्किट पीस लिए हैं और इनको मैंने छान लिया है ताकि कोई बड़ा टुकड़ा रह जाए तो वो निकल जाए। अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ, ये 80 ग्राम है मेल्टेड बटर, और वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बटर मैंने सारा डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिस्किट में मैंने बटर अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हम एक साइड करते हैं। अब चीज़ केक बनाने के लिए हमको चाहिएगा इस तरह का मोल्ड, ये होता है स्प्रिंग मोल्ड होती है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है और इसको खोलने से ये इसका जो बेस होता है वो अलग हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा चीज़ केक थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, तो इससे आसानी से डीमोल्ड ये हो जाता है। और इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे। तो वैसे जनरली ये इस तरह से रखा हुआ आता है, लेकिन हम इसको उल्टा रखेंगे, उल्टा सेट करेंगे ताकि हमारा चीज़ केक आसानी से डीमोल्ड हो जाए। कि मैंने मोल्ड अपना तैयार कर लिया है, उसको नीचे से ग्रीस व्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने बिस्किट और बटर का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, पूरा मिक्सचर डाल देंगे और इसकी एक इवन लेयर हमको तैयार करनी है। पहले इसको स्पून की हेल्प से हम फैला लेंगे, बहुत मोटी लेयर हमें नहीं बनानी है, इतने ही बिस्किट और बटर लीजिएगा स्पून से फैला के। और फिर इसको हम, कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, इसका फ्लैट सरफेस हो, इस तरह की चीज़ लेके और इसको हम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये बिस्किट की मैंने इवन लेयर तैयार कर ली है। अब इस पैन को मैं उठा करके, इस मोल्ड को मैं उठा करके फ्रिज में रख दूँगी कम से कम आधा घंटे के लिए, ताकि हमारा बटर और बिस्किट का जो मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाए। हमारी बिस्किट की लेयर सेट हो रही है, इतने हम अपनी जो क्रीम चीज़ की लेयर हमको बनानी है वो हम बना लेते हैं। तो ये जो क्रीम चीज़ मैंने फ्रिज में सेट होने रखा था, अच्छे से सेट हो गया, वो पूरा मैंने ले लिया है जितना हमारा बना था। अब इसमें छन्नी से छान के हम आधा कप डालेंगे पिसी हुई चीनी और एक टेबल स्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई इसमें चीनी का दाना वाना न रह जाए। ये चीनी और कॉर्नफ्लावर मैंने छान लिए, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 150 ml कंडेंस मिल्क, ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने 150 ग्राम्स डाल दिया कंडेंस मिल्क। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 cup दही का, फ्रेश दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए दही। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 cup 100 ml मैंगो प्यूरी, जो फ्रेश मैंगो से मैंने मैंगो पीस करके और बेस को बनाई है, ये फ्रेश मैंने मैंगो प्यूरी डाल दी। अब इसमें 3/4 cup मैं डाल रही हूँ, ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, वो मैंने इसमें डाल दी है। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। 1 चम्मच मैंने डाल दिया वनीला एसेंस। और अब हम इसमें एक बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट डालेंगे, वो हम डाल रहे हैं नींबू का जेस्ट। जेस्ट मतलब ये जो नींबू का छिलका होता है वो हमें थोड़ा सा ग्रेट करके डालना है। तो इसके लिए मैंने नींबू को अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करके मैं इसको हल्के हाथ से ग्रेट कर लूँगी। और ग्रेट करते हुए हमको ध्यान रखना है कि बस ऊपर का छिलका छिलका ग्रेट हो, अंदर की जो एक वाइट स्किन सी होती है, झिल्ली सी होती है ना, वो नहीं कसनी चाहिए। वो अगर हमने ग्रेट कर ली तो हमारे इसमें केक में कड़वापन आ जाएगा। तो चारों तरफ से मैं थोड़ा सा नींबू का जेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए नींबू का जेस्ट भी मैंने डाल दिया है और बिल्कुल ऊपर ऊपर का छिलका लिया है, जो सफ़ेद स्किन इसके अंदर नीचे होती है वो मैंने इसके अंदर नहीं लिया है। अब ये सब चीज़ें हमारी इसमें डल गई हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से या इस तरह का जो हैंड विस्कर आता है उससे इसको अच्छे से अपन अब मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए सब मैंने चीज़ें एक बार स्पैचुला से मिक्स कर ली हैं। अब ये इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ओवर बीटिंग इसकी हमको नहीं करना है, बस सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं इतना ही हमें इसको बीट करना है। आप हैंड विस्कर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब ये जो हमने बिस्किट वाली लेयर लगा के रखी थी उसके ऊपर डालने के लिए ये क्रीम चीज़ की लेयर बन करके एकदम तैयार है। देखिए कितनी क्रीमी, कितनी टेस्टी ये देखने में लग रही है। अब इसको हम अपने बिस्किट वाली लेयर पर डाल लेंगे। ये देखिए बिस्किट की जो लेयर हमने फ्रिज में सेट होने रखी थी वो एकदम अच्छे से सेट हो गई है। ये हार्ड हो गया है, बटर इसमें जम गया है। अब ये जो हमने क्रीम चीज़ के बनाया था मिक्सचर वो लेयर हम इसके ऊपर डाल देते हैं। सारा हमको इसके ऊपर डालना है। ये देखिए चीज़ की जो हमने मिक्सचर बनाया था वो मैंने लेयर इसके ऊपर लगा दी है, और इसको अब हल्का सा हम टैप कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल हो तो उसमें से निकल जाए। प्लेटफॉर्म पे इसको हम टैप कर लेंगे और अब हम इसको स्टीम में कुक कर लेंगे। जैसे अपन ढोकला वगैरह इडली वगैरह स्टीम करते हैं उसी तरह इसको हम स्टीम करेंगे। तो एक बार जब हमारा स्टीमर अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद इसको बिल्कुल स्लो गैस पे करके और एक घंटे तक हम इसको स्टीम करना है। स्टीमर मेरा गर्म हो गया है तो उससे पहले ये जो हमारा पैन है जिसमें हमने सब चीज़ें डाली हैं इसको हम सिल्वर फॉइल से अच्छे से इसको हम पैक कर देंगे ताकि जो स्टीम है वो इसके अंदर नहीं जाए। वरना होता है ना कि वो स्टीम ठंडी होकर उसकी बूंदें अपने खाने में जाने लगती हैं, तो इसको हम अच्छे से सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे। ये देखिए स्टीमर भी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और अपना जो ये केक का मोल्ड है वो मैं इसके अंदर, ये मैंने एक प्लेट रखी है जिसके अंदर हम ढोकला बनाते हैं, इसके अंदर रखूँगी। अगर आपके पास ये सेटअप नहीं हो तो आप कढ़ाई में पानी भर के और उसके अंदर कोई कटोरी या रिंग रख के उसके ऊपर भी मोल्ड को रख के आप इसको स्टीम कर सकते हैं। ये मोल्ड मैंने इसके अंदर रख दिया है और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा रही हूँ। 5 मिनट तो इसको मैं फुल गैस पे रखूँगी और फिर 5 मिनट बाद इसकी गैस जो है वो मीडियम स्लो करके और करीब 1 घंटे तक इसको हम कुक कर लेंगे, और उसके बाद अपना हम चीज़ केक चेक करेंगे कि वो हमारा बेक हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए 1 घंटा हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब इस ढक्कन को हम हटा करके अपना चेक कर लेते हैं कि हमारा चीज़ केक अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं। अब उसके लिए मैं ये नाइफ़ की हेल्प से ये फॉइल पेपर हटा लेती हूँ, काफ़ी गर्म है सब। अब इसको बहुत केयरफुली पकड़ की हेल्प से और इसको हम अपने पैन को निकाल लेंगे। बहुत गर्म है, बहुत केयरफुली निकालिएगा आप भी। ये देखिए हम चेक कर लेते हैं हमारा चीज़ केक अच्छे से स्टीम हुआ है नहीं। मैं इसको थोड़ा सा हिला के देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा वॉबली है, मतलब हल्का हल्का सा हिल रहा है। इतना तो ये होगा, धीरे धीरे सेट होगा, बिल्कुल ये रनिंग नहीं होना चाहिए। अगर रनिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रनिंग है, बहुत ज़्यादा ढीला है, तो आप इसको 5-10 मिनट और स्टीम कर लीजिए। बिल्कुल इस पोजिशन में ये होना चाहिए कि थोड़ा सा वॉबली हो, बस हल्का सा हिल रहा हो, ज़्यादा नहीं हिल रहा हो। तो ये मेरा चीज़ केक अच्छे से स्टीम हो गया है। अब मैं इसको 1/2 घंटा तक बाहर रहने दूँगी, उसको रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी और फिर इसको मैं 2-2.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख दूँगी। उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए 2 घंटे मैंने फ्रिज में चीज़ केक रखा अपना और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। उस समय मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा वॉबली सा था, लेकिन अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग करने के लिए मैंने ये होममेड मेरा ये ग्लेज है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक लार्ज मैंगो लिया, उसका प्यूरी बना के और उसको एक पैन में डाल के उसमें 3-4 चम्मच मैंगो, आपका जितना मीठा हो उस हिसाब से चीनी डाल के 3-4 चम्मच, और इसको मैंने गाढ़ा कुक कर लिया। जब ये खूब बड़े बड़े बबल्स आने लगे, गाढ़ा हो गया, तो उसको गैस ऑफ करके फिर इसमें मैंने मैंगो का इमल्शन 3-4 ड्रॉप डाल दिया। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो आप अलग अलग एसेंस और कलर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह ये होममेड हमारा प्योर मैंगो का बना हुआ ग्लेज रेडी हो जाता है। अब इस ग्लेज को हम पूरे इसके ऊपर जो हमारा मैंगो है उस पर इस तरह से फैलाना है कि ये साइड में ना जाए, मतलब किनारों के ऊपर ना जाए। इधर तक तो लेना है, लेकिन जैसे अपन ड्रिपिंग करते हैं ना केक की, उस तरह से वो ड्रिपिंग ना हो जाए, इस तरह से हमको इसको फैलाना है। मैंने मैंगो ग्लेज इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसको फिर से मैं फ्रिज के अंदर 1/2 घंटे के लिए सेट होने रख दूँगी। हमारा मैंगो ग्लेज जितने सेट हो रहा है उतने हम अपने मैंगो की गार्निशिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने मैंगो लिया, ऊपर का ये ब्लैक वाला आई जो था वो निकाल दिया और इसका ये हाफ पोर्शन हम निकाल लेंगे मैंगो का, और अब इसके
ये होता है फ्रूट स्कूपर। इससे हम छोटे छोटे इसके मैंगो के बोल्स निकाल लेंगे। देखिए इस तरह मैंगो के अंदर इसको स्कूपर को घुमा करके और ये हम छोटे छोटे मैंगो के बोल्स निकाल लेंगे। एक और निकाल के दिखाती हूँ। और इससे हम फिर अपने मैंगो चीज केक की गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह मैं थोड़े से और मैंगो के बोल्स निकाल लेती हूँ। ये मैंगो ग्लेज हमारा अच्छे से सेट हो गया। मैंने इसको आधा घंटा फ्रिज में रखा। अब मैं ये स्प्रिंग खोल के अपने चीज़ केक को डीमोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले इसके हम जो साइड्स हैं वो नाइफ से थोड़े से क्लियर कर लेंगे। अब मैं ये स्प्रिंग खोल के और इसको केक को जो ये इसका स्टैंड है इसको ऊपर खींच लूँगी। ये देखिए मैंने इसको एकदम लूज कर दिया और इसको मैं धीरे से ऊपर खींच लूँगी। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये मैंगो चीज़ केक निकल करके बाहर आया है। शेप वगैरह सब एकदम सही है। ये देखिए मैंगो के जो बॉल्स निकाले थे उससे मैंने इसको गार्निशिंग कर दिया। आप भी अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप उसे इस तरह से गार्निशिंग करिएगा और मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा आप जब मैंगो चीज़ केक बनाए तो कमेंट बॉक्स में। अभी आमों की खूब बहार आई हुई है और आप ये मैंगो चीज़ केक ज़रूर बनाइए। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये खाने में। बच्चे और फैमिली वाले आपके खुश हो जाएंगे इसको खा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।